क्या चेयरमैन तहरीक इंसाफ़ के पास ये ऑप्शन मौजूद है जैसे कि नवाज शरीफ साहब के पास रहा कि वो डील करें और मुल्क से बाहर चले जाएं क्या ये तय हो चुका है या ये नज़र आ रहा है यह हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये इनकी सजाएं बढ़ती चली जाएंगी तमाम केसेस में इनको सजाएं मिलेंगी ना बाहर से कोई दोस्त मुल्क का सरबरा या कोई दोस्त मुल्क आएगा इनको बचाने के लिए ये फेस करेंगे सब कुछ देखें मेरा जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है मैं तो एनालिसिस इस पर नहीं दे सकता मैं तो अपनी जो इंफॉर्मेशन है बतौर एक अखबार नवीस के वो ये है कि अभी तक इमरान खान साहब को ना तो ये ऑफ़र की गई है कि आप पाकिस्तान से बाहर चले जाएं ना ही किसी आ, पाकिस्तान के दोस्त मुल्क ने या किसी भी मुल्क ने अभी तक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रता किया कि हम इमरान ख़ान साहब को आ, पाकिस्तान से ले जाना चाहते हैं देखें सबसे पहले जब जुल्फार अली भुट्टो साहब को गिरफ्तार किया गया था तो उनके लिए तुर्की ने अप्रोच किया था जनरल जयाक से कि हम आपको गारंटी देते हैं कि जुल्फ्कार अली भुट्टो दस साल तक पॉलिटिक्स से आउट हो जाएंगे आप इन्हें तुर्की भेज दें लेकिन भुट्टो साहब ने वो डील नहीं की थी नहीं। तो उसके बाद फिर ये ऐसी डील जो है ये नवाज शरीफ साहब के साथ हुई थी सऊदी अरब ने की थी लेबनान के वजीर आजम थे रफीक हरेरी उनके जरिए और फिर बाद में उनके बेटे के जरिए तो उनके उनके उन्होंने ये जरूर डील करने की कोशिश की थी लेकिन इमरान खान साहब जो है उनके साथ तो जो सऊदी अरब का जो शाही खानदान है उसके ऐसे ताल्लक नहीं है और ना ही यू के शाही खानदान के कोई ऐसे ताल्लुक हैं और तुर्की की भी कोई ऐसे ताल्लुक नहीं है तुर्की की की जो हुकूमत के सदर हैं और वजी अजम हैं वो तो शरीफ फैमिली के बहुत करीब हैं और वैसे भी मैंने जब ये मीडिया में खबरें आई तो मैंने चेक किया था लेकिन ऐसी कोई बात नहीं हाँ एक बात में आपको कह सकता हूं और इससे आप मुझसे इख्तलाफ भी कर सकते हैं अगर कोई बैरूनी ताकत या कोई मुल्क हु पाकिस्तान से ये कहे कि जी आप इमरान खान को हमारे हवाले कर दें और वो पांच साल या दस साल के लिए सियासत में नहीं आएंगे और आप हमारे साथ डील कर लें तो जितना मैं इमरान खान को जानता हूँ वो ये डील नहीं करेंगे वो कभी भी पाकिस्तान छोड़ के नहीं जाएंगे आप खुश फहमी कह लें या गलत फहमी कह लें लेकिन जितना मैं उनको जानता हूँ उसकी बुनियाद पर मैं यही कह सकता हूँ जिद्दी आदमी है तो इतनी जल्दी जिद नहीं छोड़ेगा और गालिबन यही उनकी सियासी स्ट्रेंथ है जो उनके पास बची है अगर वो उन्होंने गिव अप कर दी तो शायद नहीं बचता कुछ मीर साहब अगले इलेक्शन कब होंगे ये तो सवाल हो ही रहा है क्या इन इलेक्शन में आप तहरीक इंसाफ को कैसा देख रहे हैं यानी कैसी तहरीक इंसाफ होगी जब भी होंगे इलेक्शन देखें आप बुरा ना मनाइएगा मेरा मसला तहरीक इंसाफ नहीं है मेरा मसला सबक वजी इमरान खान भी नहीं है मेरा मसला है आईने पाकिस्तान मैं बार बार एक बात रिपीट कर रहा हूँ काफी दिनों से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ये दो हजार तेईस है ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री नाइनटीन सेवनटी थ्री में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसकी पचासवीं सालगरा का ये साल है ये अगस्त के महीने में पचास साल पूरे हो गए हैं तो आप क्या सबक दे रहे हैं हमारी नौजवान नस्ल को क्या आप मैसेज दे रहे हैं कि आप नबे दिन में इलेक्शन नहीं कराएंगे तो इस आइन का आर्टिकल दो सौ चौबीस के अंदर जाएगा और अगर आप ये सब कुछ ये नवे दिन का इलेक्शन नहीं करवा रहे हैं। और और इससे पहले आपने खैबर पख्तूनख्वा पंजाब में भी नवे दिन में भी दिन इलेक्शन नहीं करवाया पाकिस्तान खिलाफ वर्जी है मेरा मसला कोई एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है ना ही मेरा मसला कोई सियासतदान है मेरा मसला है आइन पाकिस्तान और इस आइन के तहफुज की जिम्मेदारी हर पाकिस्तानी शहरी की का फर्ज है और मैं ये समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की भी यह जिम्मेदारी है कि वो इस आइन का तहफुज करे और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह जनरल जयाल हक ने उन्नीस सौ तिहत्तर का आइन तोड़ा यह आइन फिर बहाल हुआ परवेज मुशर्रफ तिहत्तर का आइन तोड़ा यह फिर बहाल हुआ तो आज भी इस आइन को तोड़ा जा रहा है ये आइन वापस आएगा बहाल होगा लेकिन जिन लोगों को सिर्फ एक पोलिटिकल पार्टी या एक सियासतदान के साथ उनकी जाति या कबायली लड़ाई शुरू हो चुकी है वो इस आइन की खिलाफवर्जी कर रहे हैं उनका वही अंजाम होगा जो परवेज मुशर्रफ का होगा मिर् साहब हमने तो एक मर्तबा ये आ, रिपीट होते देखा आपने तो कई मर्तबा इस मामले को रिपीट होते देखा होगा जहां आप फरमा रहे हैं कि ये आयन के खिलाफर्ज़ी हो रही है ये मामला कहां जाएगा तो वही नहीं जाएगा जहां आ, के पी और पंजाब के इलेक्शन का मामला गया जहां सुप्रीम कोर्ट के फैसले गए जब वहां कुछ रिंग हुआ तो अब कैसे ये सब कुछ हो जाएगा और क्यों इतनी उम्मीद है आपको देखें इसलिए कि मसूद भाई जब उन्नीस में परवेज मुशरफ साहब आए थे ना तो इसी तरह का एक उस वक्त भी एक खामोशी थी और उस वक्त की जो अपोजिशन थी उसने बड़ी पहले उसकी हमायत की और फिर नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जेल चले गए अटक जेल चले गए नवाज शरीफ साहब और उसके तकरीबन एक डेढ़ साल के बाद वो डील करके पाकिस्तान से बाहर चले गए फिर आपको याद होगा फिर 2002 में एक इलेक्शन हुआ था उसमें मुस्लिम लीग काफ की हुकूमत आ गई और जो कौमी असम्बली थी वहां पे तो मुस्लिम लीग नून जो है वो बस उसकी 17-18 सीटें थी तो परवेज मुशरफ साहब का ख्याल था कि उन्होंने मुस्लिम लीग नून में से मुस्लिम लीग काफ निकाल के तो उस पार्टी को खत्म कर दिया और उसके बाद वो काफी साल तक पाकिस्तान पे हुकूमत करते रहे लेकिन अल्टीमेटली फिर क्या हुआ अल्टीमेटली हालात ने पलटा खाया वही परवेज मुशरफ जो है उसको मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी की मदद से ड्रा धमका के उसकी कहा तुम्हारी इंपीचमेंट करेंगे और वो बेचारा जो है उसने 18 अगस्त 2008 को इस्तीफा दे दिया और प्रेसिडेंट हाउस से वो चले गए कभी बैरून मुल गए फिर वापस आए फिर बैरूने फिर उनका इंतकाल हो गया और इस दौरान उनपे आइन से गद्दारी का मुकदमा भी चला वो मुकदमा अभी तक अपने अंजाम को नहीं पहुंचा और जो इस दौरान में अठारहवीं तरमीम हुई ना सब जमातों ने मिलकर अठारहवीं तरमीम की उस अठारहवीं तरमीम ने जो आर्टिकल सिक्स है आइन पाकिस्तान का उसमें यह कदगल लगा दिया अब कोई हाई कोर्ट या कोई सुप्रीम कोर्ट किसी भी गैरअनी इकदाम की तोसिख नहीं कर सकती तो ये जितने भी ये गैर आइनी इकदाम हो रहे हैं ना आजकल और इससे भी ज्यादा आप करके देख लें ये अठारहवीं तरमीम के बाद पाबंदी लग चुकी है कि आप तो नहीं लिख करवा सकते किसी भी आ, अदालत से तो ठीक है कौमी असम्बली ने और सेनेट ने कानून पास कर दिए सदर ने उस पर दस्त भी कर दिए लेकिन आपने देख लिया ना सुप्रीम कोर्ट ने एक जो कानून है वो तो वापस भेज दिया ना उसको तो उड़ा दिया ना तो आप देखते जाए मुझे बड़ी उम्मीद है कि आईने पाकिस्तान जो है ये इसकी इसके तहफ़ की जिम्मेदारी जो है वो हर पाकिस्तानी शहरी पे भी है और सुप्रीम कोर्ट पे भी है तो देर होगी लेकिन अंधेर नहीं होगी देखिए इसलिए मसूद भाई जब उन्नीस में परवेज मुशरफ साहब आए थे ना तो इसी तरह का एक उस वक्त भी एक खामोशी थी और उस वक्त की जो अपोजिशन थी उसने बड़ी पहले उसकी हमायत की और फिर नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जेल चले गए अटक जेल चले गए नवाज शरीफ साहब और उसके तकरीबन एक डेढ़ साल के बाद वो डील करके पाकिस्तान से बाहर चले गए फिर आपको याद होगा फिर 2002 में एक इलेक्शन हुआ था उसमें मुस्लिम लीग काफ की हुकूमत आ गई और जो कौमी असम्बली थी वहां पे तो मुस्लिम लीग नून जो है वो बस उसकी सत्रह अठारह सीटें थी तो परवेज मुशरफ साहब का ख्याल था कि उन्होंने मुस्लिम लीग नून में से मुस्लिम लीग काफ निकाल के तो उस पार्टी को खत्म कर दिया और उसके बाद वो काफी साल तक पाकिस्तान पे हुकूमत करते रहे लेकिन अल्टीमेटली फिर क्या हुआ अल्टीमेटली हालात ने पलटा खाया वही परवेज मुशरफ जो है उसको मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी की मदद से डरा धमका के उसकी कहा तुम्हारी इम्पीचमेंट करेंगे और वो बेचारा जो है उसने अट्ठारह अगस्त दो को इस्तीफा दे दिया और प्रेजिडेंट uh, हाउस से वो चले गए कभी बेरो गए फिर वापस आए फिर, फिर उनका इंतकाल हो गया और इस दौरान का मुकदमा भी चला वो मुकदमा को नहीं पहुंचा और अठारहवीं तरमीम हुई ना सब जमातों ने मिलकर अठारहवीं तरमीम की उस अठारहवीं तरमीम ने जो आर्टिकल सिक्स है आइन पाकिस्तान का उसमें यह कदगल लगा दी है कि अब कोई हाईकोर्ट या कोई सुप्रीम कोर्ट किसी भी गैर आईनी इकदाम की तोसीक नहीं कर सकती तो ये जितने भी ये गैर आईनी इकदाम और इससे भी ज्यादा आप करके देख लें ये अठारहवीं तरमीम के बाद पाबंदी लग चुकी है कि आप तो नहीं लिख करवा सकते किसी भी आ, अदालत से तो ठीक है कौमी असम्बली ने और सेनेट ने कानून पास कर दिए सदर ने उस पर दस्खत भी कर दिया लेकिन आपने देख लिया ना सुप्रीम कोर्ट ने एक जो कानून है वो तो वापस भेज दिया ना उसको तो उड़ा दिया ना तो आप देखते जाए मुझे बड़ी उम्मीद है कि आईने पाकिस्तान जो है ये इसकी इसके तहफ़ की जिम्मेदारी जो है वो हर पाकिस्तानी शहरी पे भी है और सुप्रीम कोर्ट पे भी है तो देर होगी लेकिन अंधेर नहीं होगी